आज आपको हम स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन उसी में पढ़ाने वाले हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स से हमने पूछा था कि मैम ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है इन बताने वाले। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज ए फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन। जब हम किसी वेरिएबल को मेमोरी अलॉट कर देते हैं और वो उसमें उसके अंदर फिक्स हो जाता है, बस मेमोरी इसमें जिसमें वो वैल्यू ऐड हो जाती है तो वो फिर चेंज नहीं होती है। और हमने यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो वेरिएबल ए और बी है। ए और बी को हमने स्कैन किया, जैसे ही स्कैन करेंगे उसके नाम से दो बफर बन जाएंगे जिसमें उनकी वैल्यू मान लीजिए 2 और 4 है तो स्टोर हो जाएगी, और प्रिंट एफ करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही हम रिटर्न 0 बोलेंगे तो वैल्यू जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाएगी, इसमें बफर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक मेमोरी में एक फिक्स इंफॉर्मेशन फिक्स मेमोरी बफर स्टोर हो जाता है। अब क्योंकि हमने इंट टाइप की वैल्यू ली है तो 4 बाइट लग जाएगा, एक इंट जो है 4 बाइट लेता है। कुछ कुछ कंप्यूटर्स के कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 2 बाइट लेता है लेकिन इंट 4 बाइट लेता है। तो इस तरह से 2 और 4 के लिए जब 2 4 बाइट सेपरेटली हम लेंगे तो यहाँ पे 8 बाइट लग जाएगा और बफर जो है फिक्स हो जाएगा। इसमें 8 बाइट तब तक यूज होती रहेगी जब तक कि हम रिटर्न नहीं करते। तो इस तरह से मेमोरी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में फिक्स हो जाती है। लेकिन इसी तरह से सिंस सी इज़ अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज इट हैज़ सम फिक्स्ड रूल फॉर प्रोग्रामिंग। वन ऑफ देम इंक्लूडिंग द चेंजिंग साइज ऑफ एरे, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर एट अ कंटिजूनियस मेमोरी लोकेशन। अब एरे हम आपको पढ़ा चुके हैं जिसमें कि एक टाइप के ही वैल्यू को हम स्टोर करते हैं जिसकी इंडेक्स होती है, जो हमने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है। अगर आप एरे का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, जिसमें इंडेक्स पोजीशन जो होती है सेल की वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 5 वैल्यू है तो ये इंडेक्स 4 तक जाएगा। दैट मीन्स कि एरे की लेंथ 5 है लेकिन इंडेक्स जो है वो 0 to 4 है। इफ द लेंथ साइज ऑफ एरे मेड इज 5 बट इफ देयर इज रिक्वायरमेंट टू चेंज द लेंथ साइज, for example if there is a situation where only 3 elements are needed to be entered in this array, in this case the remaining 2 indices are just wasting memory in the array. ab yahan pe 5 value ki array jab humne define kar di aur usme agar hum 3 hi value dalte to 2 array kam ho jayega, 2 cell ki value waste ho jati hai. aur agar maan lijiye humne 7 value dalni ho to array ki hum nahi dal sakte kyunki हमने एक फिक्स्ड एरे बनाई है जो 5 सेल की है। तो दोनों ही केस में हमें प्रॉब्लम होगी और एरे की साइज वेरी नहीं करेगी, वो फिक्स रहेगी। तो इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है सी में जानने के लिए, सी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर विद द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे इज चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। तो उसमें क्या होता था, मेमोरी एलोकेशन तो होता है लेकिन रन टाइम पे होता है, और इसमें मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कंपाइल टाइम पे होता था। तो जिस समय कंपाइल करते हैं OBG फाइल बनती है लेकिन, और फिर EXE फाइल बनती है और तब मेमोरी जो होती है रैम से वो लेता है। और इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है रन टाइम, जिस समय आप प्रोग्राम रन करते हैं उस समय मेमोरी एलोकेट होती है। सी प्रोवाइड सम फंक्शन टू अचीव दिस टास्क, और उसके लिए सी कुछ फंक्शन हमको प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को कर सकें। देयर आर 4 लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइडेड बाई सी डिफाइंड अंडर stdlib.h header file to facilitate dynamic memory allocation in C programming. तो उसके लिए 4 फंक्शन है, malloc, calloc, free, realloc, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में विद प्रोग्राम। अभी हम बस इसको बता देते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या क्या होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब हम करते हैं तो प्रोग्राम में हमें 4 चीज़ चाहिए होती है,
चार चीज़ें होती हैं जिसमें पहले तो कोड और टेक्स्ट स्टोर होता है, फिर ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल स्टोर होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए स्टैक यूज होता है और ग्लोबल और डायनेमिक मेमोरी के लिए हीप यूज होता है। हीप इज अ ह्यूज मेमोरी एलोकेशन प्लेस जहाँ पे ढेर सारी मेमोरी होती है और टाइम टू टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं और फ्री कर सकते हैं। जब हम मेमोरी किसी भी वेरिएबल में असाइन करते हैं और उसको फ्री नहीं करते हैं तो वो मेमोरी जो होती है आपकी बनी रह जाती है और जिससे कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। तो इसके लिए हमें फ्री फंक्शन मिला है जो हम मैलॉक्स, अब ये इसका डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे, एक एक करके सबका एग्जांपल लेंगे प्रैक्टिकल सेशन में और उसको बताएंगे कि मैलॉक कैलॉक फ्री और रीअलॉक कैसे करते हैं, मैलॉक और कैलॉक में क्या डिफरेंस है और मेमोरी फ्री करना क्यों ज़रूरी है। अगर मेमोरी फ्री नहीं करेंगे हम तो मेमोरी एग्जॉस्ट होती जाएगी और हम इतनी एफिशिएंटली मेमोरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो मेमोरी हम डायनेमिक एरे के लिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 जो हमने एरे स्टार्ट की उसमें मेमोरी 5 सेल के लिए फिक्स हो गई, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम मेमोरी एरे को छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं। छोटा लेने के लिए हम लोग मैलॉक या कैलॉक यूज़ करके मेमोरी को रन टाइम के समय अलॉट करेंगे और उसको फिर फ्री भी करते जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पे री एलोकेट करेंगे जिससे कि उसी मेमोरी को हम रीयूज़ कर पाएंगे। तो हीप एक बड़ी मेमोरी है जिसमें कि हम लोग जो जितनी मेमोरी चाहे उतनी ले सकते हैं और स्टैक जो होता है जिसमें एक फिक्स टाइप की मेमोरी होती है जिसमें आप स्टैक जानते ही होंगे कि उसमें पॉप करते हैं तो बाहर निकलता है उसमें मेमोरी 1x1 एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म में स्टोर होती रहती है। और हीप जो होता है वो ह्यूज मेमोरी है जिसमें जितनी चाहो उतनी ले लो और रीएलोकेट कर लो या फ्री कर लो। तो डायनेमिक मेमोरी के लिए ज़रूरी है कि आपको ये चार फंक्शन आए जिसको 1x1 हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में पढ़ेंगे, मैलॉक कैलॉक फ्री और रीएलॉक। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन आई थिंक कि आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और फिक्स मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो रन टाइम के समय मेमोरी एलोकेट हो वो डायनेमिक मेमोरी होती है और जो कंपाइलेशन के समय मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैटिक होती है। तो जो इस कंपाइलेशन के समय मेमोरी होती है उसको हम फ्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक मेमोरी को हम फ्री फंक्शन यूज़ करके फ्री करके फिर उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल एग्जांपल, और उसके लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत होती है क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो पॉइंट करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन को जहाँ पर मेमोरी एलोकेट होती है और उसको उसको हम इस फॉर्मेट में पॉइंटर में इंटीजर टाइप है तो इंटीजर पॉइंटर लेके मैलॉक करके 100 इंटू साइज ऑफ इंट अगर लेते हैं तो एक इंट का अगर 4 byte है तो 4 byte इंटू 100 क्या हो जाएगा, 400 byte मेमोरी ले लेगा और पॉइंटर उस मेमोरी को मेमोरी एड्रेस को अपने पास होल्ड करेगा और एलोकेट मेमोरी को पॉइंट करेगा, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में एक एक चीज़ समझेंगे। इस तरह से हम डायनेमिकली जितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी यहाँ पर डिफाइन करके हम उतनी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं डायनेमिकली रन करते समय और ज़रूरत पड़ने पे उसी मेमोरी को फ्री करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये फंक्शन रीअलॉक बनाया गया है। तो एलोकेट कर सकते हैं फिर से मेमोरी को। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर हीप में जब डिफरेंट आपके बफर बनते हैं तो उसको फिर फ्री भी हम लोग कर सकते हैं। तो डिफरेंट बफर जो होता है वो पॉइंट होता है पॉइंटर से, यहाँ पर डिफरेंट बफर बन सकता है जो पॉइंट होता है पॉइंटर से, जो पॉइंटर हम लोग ने बना रखा है PTR उससे पॉइंट करके हम एड्रेस को एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं और री एलोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्रामर
और जिससे क्या होगा, मेमोरी हम ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे और हमारे मेमोरी की वेस्टेज नहीं होंगी। तब जबकि मान लीजिए एरे, यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दिया है कि एरे में 5 सेल है, तो 5 सेल जो होती है उसमें अगर हम 3 ही सेल एलोकेट करते हैं तो 2 सेल वेस्ट होती है, और अगर ज़्यादा हम करना चाहते हैं तो हम नहीं एलोकेट कर पाते क्योंकि हमारी एरे फिक्स टाइप की है। तो हम डायनेमिक एरे बनाते हैं, और एरे डायनेमिक बना के पॉइंटर यूज करके हम मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करते हैं। डी एलोकेट करने के लिए हमारा 3 फंक्शन है जिसको यूज करके हम मेमोरी को हटा सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। हमको लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी पे कुछ है तो आप बताइएगा। और अगर आपको ये डिफरेंस नहीं आता है तो कल के प्रैक्टिकल सेशन में हम आपको मलॉग केलॉग प्री और री एलॉग को एक एक करके समझाएंगे। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, और आज वाले में कुछ आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।